सो हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GTA 5 लाइक गेम्स, वो भी लो एंड डिवाइस। और अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो ये गेम सब खेल के मजे कर सकते हो। पाँचों के पाँचों खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लो एंड है। तो चलो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो नंबर वन पे गेम आता है वो है टोटल ओवरडोज। तो इसकी CPU स्पीड आपको कोई भी, मतलब अगर आपके पास प्रोसेसर है तो उसकी CPU स्पीड होनी चाहिए 1 GHz। एंड आपको यहाँ पे रैम चाहिए होगा 256 MB रैम चाहिए होगा, बस MB चाहिए होगा। अब यहाँ पे कोई भी विंडोज चला सकते हो, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, और फिर आप विंडोज XP भी चला सकते हो, उसके ऊपर भी चल जाएगा आराम से, मक्कर एकदम स्मूथ चलेगा। एंड यहाँ पे आपको बस स्पेस चाहिए होगी 3.6 GB की एक्स्ट्रा, मतलब गेम इंस्टॉल करने के बाद गेम इतना एक्सटेंड हो सकता है, तो आपको इतनी स्टोरेज तो रखनी पड़ेगी मिनिमम। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। आगे बढ़ने से पहले सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का स्क्रीनशॉट लो या फिर इसे नोट डाउन कर लो। जो हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर पे गेम है वो है माफिया, और ये गेम तो भाई उससे भी क्या होता है, कम रिक्वायरमेंट में आपको मिल जाता है। सो इसके रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम है, आप गेम प्ले देखते देखते रिक्वायरमेंट्स भी नोट डाउन कर लो या फिर सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे हमें चाहिए होता है भाई बस इंटेल पेंटियम 3 जो 5000 MHz पे चल रहा होगा, उसकी स्पीड होगी 5500 MHz। रैम चाहिए बस 128 MB। उसके बाद आपको विंडोज 98 पे चलाने हो जाएगा, विंडोज मी पे चलाने हो जाएगा, विंडोज 2000 एंड विंडोज XP पे। और अगर आपको फिर भी चलाने नहीं आ रहा है तो मुझे बता दो, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये कुछ कंपैटिबिलिटी सेटिंग्स करके भी हो जाता है विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7 में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा नंबर 3 पे जो गेम आता है वो है फाकराई सीरीज से 2 गेम्स आते हैं आपका हमारे पास, जो है फाकराई 1 एंड फाकराई 2। अभी मैं आपको फाकराई 2 के सिस्टम रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, अगर आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स हो गए तो आप 2 भी खेल सकते हो और 1 भी खेल सकते हो। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, 2 ये गेम आप एक बार ट्राई करो। बट यहाँ पे इस गेम में एक प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलती है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है इस गेम के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप गेम के अंदर नए नए सेव फाइल्स क्रिएट करोगे वैसे वैसे आपका जो गेम का साइज है वो एक्सटेंड होते जाएगा। तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जस्ट 500-600 MB एक्स्ट्रा रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो गेम है वो सही से चलेगा, रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा आप 500-600 MB रख सकते हो। जो अभी नेक्स्ट 2 गेम्स आने वाले हैं ये बहुत सारे लोगों को पता होंगे, बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, पर जिन्होंने नहीं खेला मैं उनको सजेस्ट करूंगा ऐसे सारे गेम्स, मतलब ये 2 गेम्स खेलने के लिए जो GTA सीरीज से ही आते हैं। सो सबसे मतलब नंबर 2 पे जो हमारा गेम है वो है GTA वाइस सिटी। बहुत सारे लोगों को पता होगा GTA वाइस सिटी, बहुत सारे लोगों ने वही से GTA सीरीज या फिर गेमिंग की शुरुआत की होगी। यहाँ पे अभी जो GTA वाइस सिटी है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसको कोई भी OS में चलाओ, 2000 में चलाओ, XP में चलाओ, 7, 8, 9, 10 में भी चला सकते हो। एंड इसके लिए अगर आप देखोगे इसका ग्राफिक रिक्वायरमेंट जो है वो है बस 132 MB। आप यहाँ पे 128 रैम में चला सकते हो, 128 MB में, और उसके सिवा आपको जस्ट 900 या फिर 1 GB तक फ्री स्टोरेज चाहिए होगा, हो गया भाई आपका जो गेम है मतलब एकदम सही चलेगा इतने रिक्वायरमेंट में भी। और अभी जो हम यहाँ पे जितने भी गेम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना ये सारे लो एंड के लिए, सो आप इनके रिमास्टर वर्जन भी ट्राई कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस या फिर आपको कोई अच्छा गेम खेलना है। तो हमारा लास्ट जो गेम है वो है GTA San Andreas, इसे डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। अगर आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूँगा, आप सिंपली जाके देख के इंस्टॉल कर लेना, या फिर हमारे चैनल पर जाओ उधर पर वीडियो, या फिर मैं री अपलोड कर दूँगा वीडियो को तो वो आप देख सकते हो। और उस वीडियो को GTA San Andreas वाली वो थोड़ी सी प्रॉपरली नहीं बनी है जो पुरानी वीडियो, सो नई वीडियो में अच्छे से बना के लाऊंगा, तो आप वो देख के इंस्टॉल कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।